दरअसल ना छुट्टियों की आदत ऐसी पड़ी है कि नींद बहुत आती है, तो इसीलिए जमाई आ रही थी। हाँ भाई, तो आज है जुम्मा और काफ़ी अर्सा हो गया व्लॉग बनाए हुए, तो हो गया है काफ़ी अर्सा व्लॉग बनाए हुए। दरअसल काफ़ी दिन हो गए थे और मैंने आजकल एक पुरानी आदत को वापस उभारा है, वो है बुक रीडिंग की आदत को। एक सेकेंड, ये वो बुक है जो मैं पढ़ रहा हूँ। मुझे पता है अभी आपको शायद उल्टा भी दिख रहा है, द सर्टल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अप। मतलब मुझे पता है बेहुदा सा टाइटल, लेकिन अच्छी बुक है। और आप माने या ना माने, ये बुक मैंने 1-1.5 साल पहले ली थी, और 1-1.5 साल पहले लेने के बाद मैंने इसको पढ़ा था सिर्फ 80 से 90 पेजेस, और उसके बाद मैंने इस बुक को पता नहीं कहाँ फेंक दिया था, क्योंकि 80-90 पेजेस पढ़ने के बाद लगा था कि बहुत हो गया यार। लेकिन ये बात मैंने रियलाइज़ की कि बुक रीडिंग एक अच्छी आदत है। मुझे पता है मैं ये बात कभी रियलाइज़ नहीं कर सकता कि बुक रीडिंग एक अच्छी आदत है, मैं सिर्फ अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए बुक पढ़ रहा हूँ। श्योर, खैर मैं बुक पढ़ रहा हूँ और अभी मैंने इसको मेरे ख्याल से 20 पेजेस पढ़ा है। दोबारा पढ़नी पड़ेगी जाहिर है, 1-1.5 साल पहले जो पढ़ा था वो याद तो होगा नहीं, तो मैं इस बुक को पूरा पढ़ूंगा और मेरा गोल है 1 हफ्ते के अंदर अंदर पूरी करनी है। और 1 हफ्ता शायद आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हो, बट मेरे लिए बहुत कम है और शायद मुझे 1 हफ्ते से ज़्यादा ही लग जाए। लेकिन बुक पढ़ने के बाद मैं आपको इसका रिव्यू दे दूंगा, अगर आप लोग चाहते हैं रिव्यू लेना तो दे सकता हूँ मैं रिव्यू यार। खैर, आज जुम्मा है और बहुत बुक की बात हो गई, सो साइड पर रखें, फेंकी नहीं है, ये पढ़िए। तो अभी तकरीबन 10:30 हो रहे हैं और जुम्मे की नमाज़ पढ़ने भी जाना है, उसमें थोड़ा सा टाइम है। मैं उठा थोड़ी देर पहले था, इस कौवे को मौत आ रही है तो ये कौ 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 कर रहा है। और वैसे ना मंसूर के पेपर चल रहे हैं, मंसूर को आपने ब्लॉग्स में देखा होगा, तो उसके अभी पेपर चल रहे हैं, तो उसके लिए मैं चाहता हूँ आप सब हाथ उठा के दुआ करें उसका, कि उसका रिजल्ट अच्छा आ जाए। क्योंकि उसने ना, सब मैं आपको बता रहा हूँ, उसने ना हमसे वादा किया हुआ कि अगर उसका रिजल्ट अच्छा आया तो वो हमें ट्रीट देगा, तो मैं चाहता हूँ सब दुआ करें। ये मेरा एक ट्राईपॉड है जो कि मैंने 2 साल पहले लिया था जब मैं एक टेक रिव्यूअर था, उसकी बात हम फिर कभी करेंगे। तो ये ट्राईपॉड मैंने तब लिया था, लेकिन इसके ऊपर एक फोन माउंट था, वो टूट गया है, तो उसका स्क्रू ना इसके ऊपर फंस गया है। तो अगर कोई जानता है इसको ठीक करने के लिए कुछ, मतलब कि कोई जुगाड़ वगैरह पता है कि ये इस तरह सही हो जाएगा, इस तरह स्क्रू निकल आएगा बाहर, तो बता सकता है मुझे, आपके भाई की थोड़ी मदद हो जाएगी। क्योंकि मेरे पास एट द मोमेंट सिर्फ 2 ट्राईपॉड हैं, एक ये है जो कि बड़ा वाला है, जो स्टैंड वाला है और पसीने कुछ ज़्यादा आ रहे हैं, और एक ये गोरिल्ला पॉड है। एक तो जब व्लॉग करता हूँ ना तभी वैसे ना, अभी थोड़ी देर पहले दिल चाह था कि नाश्ता कर लें, लेकिन अब अचानक से मूड गायब हो गया, तो हमने सोचा कि पानी पी के गुजारा कर लेते हैं। मुझे लग रहा है मेरा वजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो पानी डाइट। मजाक करो भाई, कोई डाइट वाइट नहीं है, बस ऐसे ही पानी पी रहा हूँ। अभी मैंने सोचा ही था कि मैं काम करूँगा आहिस्ता आहिस्ता, जुम्मे का दिन है तो मतलब कपड़े इस्त्री वगैरह करूँगा आहिस्ता आहिस्ता करके, लेकिन के इलेक्ट्रिक वालों को पसंद नहीं आया कि असद भाई काम करेंगे, तो लाइट चली गई है। ये जनरेटर्स की आवाज़ आ रही होगी आपको, ये गली के भी जनरेटर चल रहे हैं वगैरह वगैरह, तो लेकिन ये लाइट जाने की वजह से हम अपने काम नहीं रोकेंगे। एक काम अभी भी हो सकता है, नाखून कट सकते हैं, काफ़ी बड़े हो रहे हैं मेरे नाखून और दिखा नहीं सकता, एम्बेरसमेंट फील होगी थोड़ी सी होगी, ज़्यादा नहीं होगी।
तो अभी हम काटेंगे नाखून, जुम्मे के दिन नाखून काटना सुन्नत भी है, और बस अब हम काटेंगे नाखून। ये अरे रुको 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 भाई, नाखून काटने का टाइम लैप्स कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। नहीं भाई, नाखून काटने का टाइम लैप्स को स्किप करो भाई, ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। हाँ भाई, तो खाना वगैरह खा लिया मैंने, और अभी मैं ऐसे ही बैठा हूँ, ऐसे ही बैठा हूँ तभी ब्लॉग कर रहा हूँ, ऐसे ही बड़ा हूँ, पता नहीं क्या निकल रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरा और जुम्मों का एक अजीब सा सिस्टम है, मतलब एक कनेक्शन है मेरा और जुम्मों का। भाई देखो, अगर आप कराची में रहते होगे, मुझे तो जहाँ तक पता है कराची में ज़्यादा होता है, मोबाइल स्नैचिंग का नाम तो आपने सुना ही होगा। सुना क्या, कभी किसी ना किसी ने तो एक्सपीरियंस भी किया होगा, या ज़्यादातर ने एक्सपीरियंस भी किया होगा। तो मैं जब से कराची में रह रहा हूँ तब से लेके अब तक मेरे दो फोन्स छिन चुके हैं, और मज़े की बात यह है कि वो दोनों फोन्स जुम्मे के दिन ही छिने। तो अब मुझे नहीं पता ये कोइंसिडेंस है या क्या है, या पता नहीं क्या है, लेकिन हुआ है ये मेरे साथ दोनों बार जुम्मे वाले दिन ही। एक बार दोपहर में हुआ था, जुम्मे की नमाज के बाद का टाइम था, और एक बार हुआ था शाम के वक्त 6 बजे। तो भाई ये सीन है। और हाँ, एक और बात, अगर आप लोग मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, मैं Q&A वीडियो बनाऊंगा, और उस Q&A वीडियो के लिए अगर आपको मुझसे कोई सवाल पूछना है तो आप वो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और या तो फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे बता सकते हैं, DM कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो इंस्टाग्राम मेरा ये है, सही है, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ये हॉर्न भी दे रहा है, आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, और मैं जो पिक्चर्स खींचता हूँ छोटी मोटी सी वो आप देख भी सकते हैं। इस बुक का एक चैप्टर भी पढ़ लिया, तो अभी तक तो इंटरेस्टिंग लग रही है, आगे पता नहीं मैं कितने दिन पढ़ लूँगा। खैर, इस बुक की बातें आज के ब्लॉग में बहुत ज़्यादा हो गई, अभी बस शाम का टाइम हो रहा है, 4:30 बज रहा है, और हम इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करेंगे, और कुछ है नहीं खास करने को, तो ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। पीस। She's not we same one, just not this, I'm with you.